बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार। ये किस्सा तब का है जब मायावती और अखिलेश यादव 2019 लोकसभा चुनाव के लिए मोर्चा बंदी कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और तभी एक पत्रकार ने अखिलेश की ओर एक सवाल उछाल दिया, अखिलेश क्या आप मायावती को पीएम बनाना चाहेंगे? 2 सेकंड के मौन और चुप्पी के बाद अखिलेश ने कहा, ये तो हर कोई जानता है कि मैं किसे पीएम बनाना चाहता हूँ। पास बैठी मायावती खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। ये खिलखिलाहट 5 साल बाद कड़वाहट में बदल चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सवाल अखिलेश के साथ आज भी नत्थी है। इसलिए कल अखिलेश का बयान आया कि मैं तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, उन पर जरूर किसी तरह का दबाव है, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रही हैं। अखिलेश का इशारा बीजेपी की तरफ था। अखिलेश ने और क्या कहा वो सुनिए। हमने बसपा को सम्मान देने का काम किया है, बीजेपी श्री राम पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, बीजेपी भगवान को नहीं ला रही बल्कि उनकी कृपा से ही इस समय थोड़ा कामयाब हो रही है, लेकिन जनता को सब पता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। इस बार भगवान जनता के साथ है, हम रोजाना पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, इस चुनाव में हमारे लिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक ही भगवान हैं, पीडीए हमारे साथ है तो हमें किसी का डर नहीं, इस बार पीडीए ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाएगी। अखिलेश का कहना था कि इंडिया ब्लॉक को मजबूत होना चाहिए और उनकी कोशिश भी यही है कि वो सभी दलों को जोड़ने का काम करें। समाजवादियों ने ये संकल्प लिया था कि देश का पीएम उस वर्ग का हो जिस वर्ग से मायावती आती हैं, जिन्होंने हजारों साल तक बुराइयां झेली हो। सपा तो उनको पीएम बनाने का सपना देख रही थी। अखिलेश के इस बयान की टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है, अब वो इस तरह की बात बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ हफ्ते पहले यही अखिलेश बसपा पर हमलावर थे, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में राहुल से ये तक कह दिया कि आप ये साफ करके बताएं कि क्या कांग्रेस बसपा को इंडिया ब्लॉक में शामिल करना चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो उसी हिसाब से अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन अब जो कांग्रेस बसपा को जोड़ने की कोशिश में थी उसे ही मायावती ने अपने जन्मदिन के दिन सामंतवादी बता दिया, तो एक खिड़की जो गठबंधन की खुली थी वो हो गई बंद। खिड़की बंद हुई तो अखिलेश भी स्वतंत्र हुए कि अब वो मायावती के लिए बयान दे सकते हैं। अब क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि वो मायावती का सम्मान करते हैं, इसलिए उनकी पार्टी का हर एक नेता आपको मायावती के लिए यही कहता दिखाई देगा, और ऐसा ही कुछ कल अखिलेश ने भी एक मर्तबा फिर दोहरा दिया। इंडिया ब्लॉक की समाजवादी पार्टी के साथ आज एक बैठक होगी, वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल से सीधे बात नहीं करेगी ऐसी खबर है। रालोद से गठबंधन सपा के जरिए ही होगा क्योंकि प्राथमिक सहयोगी वही है, सपा है। दूसरी ओर सीट बंटवारे की घोषणा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन सकता है, तो आम आदमी पार्टी के साथ सीटों के तालमेल की घोषणा से पहले एक दिन और दौर की बैठक होने वाली है। इसी अपडेट पर आपको हमारे चैनल से लगातार खबरें भी मिलती रहेंगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।